सकते हो यहाँ पर दुर्घटना हो गई भाई की, बाइक दुर्घटना हो गई यहाँ पर और अंडरवियर गिर चुकी है। हमने भेजा है अपने लौंडे को लेने गया है। बाबा हमारे बड़े शिकारी हैं, वो शिकार करने गए हैं अंडरवियर। ये देखिए बाबा ने ढूंढ लिया अंडरवियर, बाबा शिकार करके आ रहे हैं। देखिए ये देखिए कमाल, कमाल है, सल्यूट है तुम्हें सर। आप ओलंपिक में बने नंगे नंगे घूमते, आपको ब्रॉन्ज, आपको ग्रैमी मिलेगा। ये देखिए हमारा खोया हुआ अंडरवियर मार चुका, खोया खजाना मिल चुका है बाबा, लेकर आ चुके हैं खजाने को पाकर आए बाबा। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर। बोलो जय शिव शंकर। और ये जो हमारा केदारनाथ ट्रिप का एपिसोड 8 है, और इसमें बहुत मस्ती आने वाली है, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर संभव हो सके तो वीडियो को शेयर करें। बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं इस वीडियो में, और वीडियो पूरा देखें तभी आपको बहुत मज़ा आएगा। और आगे आप देख रहे हैं तो पहाड़ियों में जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भोलेनाथ सबके साथ कल्याण करो, जो भी हमारे व्यक्ति देख रहे हैं वीडियो उन्हें सभी का कल्याण हो भोलेनाथ। और ऐसे ही हमारी वीडियो आप लोग देखते रहिए, ढेर सारा सा प्यार देते रहिए हमारी वीडियो को, तो हम आपको नया नया वीडियो नया नया जगह पे। हाँ ये, और जो भी ये जो माउंटेन रेंज है वो हिमालय रेंज में आती है, इसे शिवालिक क्या बोलते हैं, शिवालिक ना भाई, हाँ इसे शिवालिक बोलते हैं, और ये हिमालय रेंज में ही आती है। 9 नवंबर 2000 को अपना उत्तर प्रदेश से इसे विभाजित करके 13 जिलों को काट कर एक नया राज्य दिया गया। इससे पहले इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। अब यहीं से ही उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, और यहाँ पर कई सारी ऊंची ऊंची चोटी, और हिमालय की बोल दी जाए तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट 8,800 फुट। और हालांकि सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ, मंगल ग्रह में है ना, नहीं जुपिटर पर, मंगल ही पे है, क्या नाम है उसका, निक्स ओलंपिया। हाँ निक्स ओलंपिया, वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट जो है वो 3 गुना ऊंचा है, यानी कि लगभग वही 2700 मीटर, यानी कि 27 किलोमीटर, और अपना माउंट एवरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर है, लगभग 50 किलोमीटर दूर हमारा केदारनाथ है। क्या बाबा के दर्शन करेंगे दिल खोल के, हो जाएंगे लोटपोट। समय है कहाँ पर, हम लोग देवप्रयाग से कुछ पहले, जहाँ पर आपको ये भी दिखाएंगे, जहाँ पर भागीरथी नदी जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब उसका नाम भागीरथी होता है, और वही संतो पंत हिमानी से निकलती है अलकनंदा, और उसकी सहायक नदी है धौली गंगा और विष्णु गंगा, और ये मिलती है दोनों जलधाराएं आकर मिलती है देवप्रयाग में, तब इसका नाम रखा जाता है गंगा, वहाँ से गंगा कहलाती है, और फिर ये गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें उत्तराखंड है, अपना उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर इसकी 2 जलधाराएं डिवाइड हो जाती है, एक हुगली रिवर के नाम से जानी जाती है, दूसरी बांग्लादेश में चली जाती है जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो भी मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से निकलती है और आपस में मिलती है जाके, और तब संयुक्त रिवर को बोलते हैं मेघना, और वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, उसका निर्माण करती है। तो गंगा हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और प्लस हमारे इंडिया की लाइफ लाइन है, तो इसीलिए बोलते हैं हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो अब आप लोग देख सकते हैं वीडियो कि हम लोग पहाड़ के बिल्कुल पीक पर पहुंचने वाले हैं, और जहां इस पहाड़ के पीक पर पहुंचे सामने दूसरा पहाड़ आ गया, मतलब कि खत्म नहीं हो सकते हैं पहाड़ भाई लोग। पहाड़ों पर घर देखे कितने अच्छे तरीके से और कितने मेहनत से बनाए गए होंगे, और ये जो सड़कें भी निर्माण की गई हैं इनको भी बहुत टाइम लगा है बनने में, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है।
बनाने में इनको सड़कों को। तो सच में बीआरओ बहुत ही अच्छा काम करती है। आप उत्तराखंड जाइए या फिर पहाड़ी इलाकों में जाइए, यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ, वो बहुत ही काबिले तारीफ वर्क करती है। पहाड़ों को काट कर जहाँ हम लोग जा नहीं सकते हैं नॉर्मल, वहाँ पर वो सड़कें बना के हमें वहाँ तक पहुँचाने का जरिया। और ये हमारा हरियाणा का गाड़ी वाला था, इसने हमारे ड्राइवर को चौंका दिया। ड्राइवर हमारे चौंक गए भाई, चौंक करना गए क्योंकि ये क्या हुआ। नहीं नहीं भाई, होना भी चाहिए था क्योंकि भाई वो साला आया और अचानक से दाब दिया। नाम है इसका अन्नपूर्णा भोजनालय, यहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ मिलता है और यहाँ पे डीजल पेट्रोल भी मिलता है। क्या भाई वो क्या है उसमें? अरे वो मतलब आप भी टूरिस्ट हो ना भाई? हाँ मैं गलत भाई, मेरे को अभी तक समझ रहे थे लोग ठेले वाला, आज मैंने भी समझ लिया भाई टूरिस्ट को कुछ ये नहीं की दुकान होगा। और भैया हमारे दूसरे जो थे, क्यों भैया सो रहे हैं, थक गए, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो? केदारनाथ? हमारे यार पेमेंट आओ, इधर आओ, किस्सा कर दी। तो फिर अब यहाँ से चलते हैं, आगे तक निकलते हैं और केदारनाथ पहुँच के फिर आपको मेंशन करते हैं। और ये हमारी गाड़ी है, और फिर यहाँ से जो केदारनाथ की दूरी बसती है केवल 80 किलोमीटर यहाँ से गौरीकुंड और केदारनाथ बसता है। और फिर जब गौरीकुंड से हम लोगों को 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, वो भी पैदल या फिर घोड़े की मदद से या फिर सोनप्रयाग से आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। और जैसा कि मैं बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी सारा आसमान बाकी है, अभी देखे हैं आदमी हमने, अभी इंसान देखने बाकी हैं। धन्यवाद, क्योंकि मेरे 700 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उन सबको दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए ताकि हम आपको सुंदर सुंदर सा प्यारा प्यारा सा व्यू दिखाते रहेंगे। और यहाँ से गुप्त काशी मात्र 46 किलोमीटर बसता है और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने भी मेरा चैनल छोड़ कर गए हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि किसी ने कहा है, बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं भरते हैं, और मेरे सपने की उड़ान, मैं अपने सपने की उड़ान भर चुका हूँ। और देख सकते हो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है, इसलिए रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और मेरी माँ ने मुझे बताया है कि हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, और इस समय मेरे थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं, पर कोई ना, आप लोग हमेशा शाद बनाए रखें, क्योंकि वक्त रुलाता है मगर बहुत कुछ सिखाता है, और वक्त मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है और मैं सीख भी रहा हूँ। क्योंकि इस दुनिया में बेकसूर कौन होता है, बेकसूर कौन होता है इस ज़माने में, बस सबके गुना पता नहीं चलते हैं। और ये प्यारा सा व्यू दिल को मनमोहित करने वाला, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे से नज़ारे हम लोगों को देखने को मिले, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। और यहाँ पर
आर्मी के लोग खड़े हुए थे, यहाँ पे शायद ट्रेनिंग हो रही है इसीलिए यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। लिफ्ट मांगी बट हम लोगों का पहले से ही सीट फुल है तो इसलिए हम लोगों ने लिफ्ट नहीं दे सके उनको, और फिर आगे चलते चले जा रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है, वादियों में चलते जाना और दिल को सुकून देता है ये पहाड़, इनको देखकर दिल बिल्कुल तृप्त हो जाता है। और ऐसे ही वीडियो पे बने रहें क्योंकि वीडियो अंततः तक बहुत प्यारी होने वाली है। आपको संगम भी दिखाएंगे, आपको व्यू पॉइंट जो होता है एक बेहतरीन व्यू पॉइंट वहाँ तक आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो कृपया स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आ रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग एक सुकून देता है। ट्रैवलिंग करना, यात्रा करना दिल को एक सुकून देता है। जब भी आप कभी भी हताश हों या निराश हों तो एक बार निकल जाइए ट्रैवलिंग के लिए, फिर आपको जो सुकून मिलेगा सच में वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। इस समय हम लोग हैं रामबाड़ा में, ये बस स्टॉप है रामबाड़ा का, यहाँ बसें मिलती हैं सोनप्रयाग जाने के लिए, देवप्रयाग जाने के लिए, रुद्रप्रयाग जाने के लिए, और काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोगों को यहाँ पर, काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। जैसा कि देखिएगा भैया पीछे डांस कर रहे हैं। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वहाँ हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। सच है ये, सच में अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीकों को बदलो, इरादे नहीं मेरे दोस्तों, इरादे बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, समझ लो भाई लोग। और आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो दृश्य है वो मन को मोहित कर रहा है। ये मंदिर जो है ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और फिर यह जो वादियां हैं जिधर वो रोड आपको दिखाई दे रही है, उसी रोड से हम लोग आते हुए इस रोड पर पहुंचे हैं, क्योंकि एक पहाड़ क्रॉस करने के बाद फिर दूसरा पहाड़ आ जाता है। और ये भोलेनाथ की सुंदर सी प्रतिमा थी, जय भोलेनाथ। कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता, एक वही तो है, जब कोई नहीं दिखाई देता तो वही दिखाई देता है। नसीब, नसीब की भी एक बात है, बहुत सुंदर सी बात कही गई है, नसीब में जो आए ले लेना, नसीब में जो आए वो ले लेना, ये सोचना कि आपके नसीब का भी लोगों को नसीब नहीं होता है। सच में कभी धूप में जलाएगी कभी छांव में चलाएगी, ये जिंदगी ऐसी ही है, आज खुशियां दे रही है कल जख्म देकर जाएगी। अपने तो हजारों हैं, कमी तो अपनेपन की है, जिंदगी ने कुछ तो दिया है, जीतना सही तजुर्बा तो दिया है। सच में ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अगर आपको भी अपनी लाइफ एक्सप्लोर करनी है, अपने आप को ढूंढना है, तो अवश्य एक बार ट्रैवल करें, यात्रा करें। और ये जो हमारा उत्तराखंड का जो श्रीनगर पड़ता है वहाँ पर हम लोग इस समय हैं, और देख सकते हैं कि कितना सुंदर वातावरण है और मौसम भी बहुत खिला हुआ है, इतनी गर्मी नहीं है जितना गर्मी हम लोगों को उत्तर प्रदेश में लगती है, उतनी गर्मी नहीं है। और ये जो आपको नदी दिख रही होगी ये है भागीरथी नदी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय रेंज से ग्लेशियर का वाटर में आता है। और यही आगे जाके जो आपको दिखाया था और दिखाएंगे भी रिटर्न में, क्योंकि अभी टाइम नहीं था, हम लोगों को जाना था केदारनाथ। तो कहाँ मिलती है जाके, देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा मिलती है, यही वो है, यही नदी है भागीरथी नदी। और अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथी के कई सारे पूर्वज जो मर गए थे तो उन्होंने तपस्या की और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव को और भगवान
शिव को नहीं सॉरी गंगा जी को प्रसन्न किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कहाँ आ जाएंगे, हम पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन वो अपने वेग में ज्यादा ही, उनको घमंड था कि वेग हम अगर हम पृथ्वी पे आते हैं तो हमारा वेग कोई संभाल नहीं पाएगा, हम तहस नहस कर देंगे। लेकिन उसके लिए भगवान शिव को आवाहन किया गया और उन्होंने उनको अपने जटाओं में धारण कर लिया, और उसके बाद एक बाल तोड़ने के बाद अपना उसमें से उन्हें धारा निकली और वो नदी हमारी भागीरथी, इसीलिए हम भागीरथी जिन्होंने तपस्या की थी उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा भागीरथी नदी, वही ये नदी है, वही राजा भागीरथ है, उन्हीं के नाम पे भागीरथी नदी। जीतू भाई, जीतू भाई, ओ जीतू, चले नींद लग रहा क्या? और YouTube की पब्लिक आप लोगों को दिखाते हैं डैम, ये है हमारा डैम, देख सकते हो आप लोग डैम, ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ पे ये डैम है बना हुआ है, ये निर्माण चल रहा है डैम का, देख सकते हो आप लोग। और ये नदी है जो पहाड़ों से निकली हुई है, बहुत प्यारा दृश्य है यहाँ का, हवाएं चल रही हैं, मौसम नॉर्मल है, पर हाँ गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पर कि इतनी हम लोगों के यहाँ हरदोई में होती है, इतनी गर्मी यहाँ नहीं है।